जलपली म्युनिसिपैलिटी वार्ड नंबर 3 में एआईएमआईएम काउंसलर अहमद कसादी की जानिब से कांग्रेस के चिवल आईएमपी उम्मीदवार जी रंजीत रेड्डी की ताईद में कॉर्नर मीटिंग मुनाकिद की गई। इस मीटिंग में नुमाइंदा काउंसलर जनाब याहिया एक्स डिप्यूटी सरपंच हामिद अब्दुल अजीज और दीगर लोग मौजूद थे। इस मीटिंग में आवाम से अपील की गई कि वो मुल्क के मौजूदा हालात को देखते हुए चिवला से कांग्रेस के एमपी उम्मीदवार जी रंजीत रेड्डी को कामयाब बनाए ताकि बातिल ताकतों को रोका जा सके। इस मौके पर आवाम की कसीर तादाद देखी गयी। तो दूसरे पार्टी बीजेपी को डालो ना तो घर में सो जाओ। गलत फहमी बहुत है तुम लोगों को। अरे देख के सारा दिन देख देख यार मैं खुद कर परेशान। कुछ खाली राशन कार्ड के दे रहे तो लाखों की लाइन है। वोटिंग के दिन हजारों की भी नहीं है सवाओं की भी नहीं है। कहाँ सो रहे पब्लिक समझ में नहीं आ रहा। मेहरबानी करो कांग्रेस को जिताओ तुम्हारे हक अदा कर लो। तुम लोग चैन सुकून की नींद सो सकते पाँच साल एक दिन वोट डाल के पाँच साल सुकून से रह सकते। वो बेच के नहीं खाती वो अपने ऊपर टैक्स नहीं रखती कुछ नहीं रखती खाती भी नहीं खिलाती भी नहीं। वो आप लोग समझ में नहीं आता कांग्रेस क्या करी क्या करी कुछ भी नहीं करती। अब देखो आज वाला करोड़ों अरबों रुपए का ढकले कर दे रहे वो करी कुछ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। उनकी हिदायत है कि यहाँ पे कॉर्नर मीटिंग रखी जाए क्योंकि चेवड़ला एमपी डॉक्टर रंजीत रेड्डी साहब के लिए जो कांग्रेस से कैंडिडेट है जो सेंटर में हमारे को कांग्रेस को इंडियन इतिहास जो बनाए हैं उसके लिए हमको बीजेपी को हराना है। और जितने कांग्रेस के कैंडिडेट है जहां जहां पे एमआईएम नहीं है वहां पे हमको कांग्रेस को जिताना है। और जहां पे एमआईएम है अल्हम्दुलिल्लाह वहां पे एमआईएम को जिताना है क्योंकि आने वाले इलेक्शन भी अभी कई लोग में आया तो ये पूछेगा भाई पतंग नहीं है क्या आपके। इंशाल्लाह आने वाला इलेक्शन पतंग का है जब आप लोग पतंग को डालिए। और मैं तमाम मेरे माँ बहनों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो अपना वक्त निकाल कर यहाँ आए। और बुजुर्ग मेरे दोस्तों मेरे साथिया सुदूर मुतबर तमाम लोगों का जो मेरे साथी है तमाम लोगों का मैं नाम लिए बगैर अल्हम्दुलिल्लाह जो मेहनत कर रहे हैं डॉक्टर रंजीत रेड्डी साहब के लिए मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और 13 तारीख को इंशाल्लाह इसी तरह से आप मेहनत करिए और डॉक्टर रंजीत रेड्डी साहब को यहाँ से बंपर मेजोरिटी से जिताइए। और कांग्रेस का निशान हाथ है जो और बटन को आप 1-2 सेकंड 3 सेकंड रखिए आपका वोट सही हुआ नहीं तो आप ऐसा सिर्फ ऐसा दबा के छोड़ेंगे तो आपका वोट जाला हो जाता। तो मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ मेरे तमाम हमारे इंचार्ज अहमद सादी साहब का और चेयरमैन अब्दुल्ला सादी साहब का और मेरे साथी काउंसलर हमारे सैयद याहिया भाई भी आए और सैयद अहमद भाई जो डिप्टी एक्स सरपंच है और तमाम मेरे सुदूर मुतबेदिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ खांदे को खांदा लगा के हमेशा चलते है। इस बार ये इलेक्शन इंशाल्लाह इसी तरीके से हम कामयाब करेंगे इंशाल्लाह। और मीडिया का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारी बात हमेशा पहुंचाते रहते हैं।